मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, श्री अशोक दलवाई साहब सीईओ नेशनल रेन फेडेरिया अथॉरिटी, श्री अटल डुल्लू जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, श्री यशा मुदगल जी कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, श्री जेपी शर्मा जी जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, श्री कमल प्रसाद पटनायक जी रीजनल डायरेक्टर आरबीआई, श्री बलदेव प्रकाश जी एमडी एंड सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक, श्री एके सूद जी सीजीएम नाबार्ड, सभागार में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकगण, एग्रीकल्चर और अलायड सेक्टर्स के हमारे सभी सहयोगी बैंकों के और नाबार्ड के सभी अधिकारी, किसान एडवाइजरी बोर्ड के हमारे सम्मानित सदस्य, किसान बहनों भाइयों देवियों सज्जनों और मित्रों, लगभग दो घंटे से ज़्यादा हुआ जब से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी बातें आ गई हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातों का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सबसे पहले दलवाई साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब भी इनसे अपेक्षा हमने की है तो हर समय जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने समय निकाला है। जो विस्तार से प्रेजेंटेशन आपने देखा है, मैं उसके बिंदुओं में नहीं जाना चाहता हूँ। उसको बनाने में महती भूमिका इनकी भी है और भी कुछ कृषि वैज्ञानिक हैं। केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब ये रिपोर्ट बन गई और जिस दिन प्रारंभिक चर्चा आप लोगों से हुई तो 5012 करोड़ रुपए कृषि के एग्जिस्टिंग बजट के अलावा इन्फ्यूज करना जम्मू कश्मीर जैसे छोटे संघ शासित प्रदेश जिसमें रेवेन्यू जनरेशन कितना है उससे बेहतर आप जानते हैं, एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन था, हम सबको यकीन था कि जिस काम से 70% लोगों का जीवन बदल सकता है उस काम को जरूर किया जाना चाहिए। और इसलिए फैसला किया गया कि नहीं, पैसे की कमी नहीं आड़े आने दी जाएगी। उस दिन सैद्धांतिक रूप से सबकी सहमति बने और स्वीकृति हो उसके पूर्व मैंने अपने एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के जितने हमारे अधिकारी हैं उनसे मैंने एक बात पूछी, भाई ये धन तो हम लोग उपलब्ध करा देंगे, क्या वास्तव में जमीन पर उतारने में आप इसी उत्साह से काम करेंगे? तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आपके बीच ये बताते हुए कि सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, हम एकदम जान की बाजी लगाएंगे और इसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि जिस उत्साह के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि इसे जमीन पर हम सब उतारने में सफल होंगे। इस साल के बजट में जो भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही मुझे लगता है कि सबको ध्यान देना चाहिए, वंचितों को वरीयता, और यही विजन मुझे लगता है कि समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस समावेशी विकास अभियान में जो सर्वोच्च प्राथमिकता और पहली प्रधान प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसकी दो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में देश को पहली बार एग्रीकल्चर ऑसिलेटर फंड के रूप में एक ऐसी योजना मिली है जो ग्रामीण इलाकों में एग्रो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला स्थानीय नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनाना और दूसरा लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किफ़ायती समाधान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जिससे वहाँ की कृषि प्रैक्टिस में आवश्यक बदलाव लाकर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट में वृद्धि की जा सके। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में व्यापक स्तर पर क्रेडिट की पहुंच के लिए फंड्स को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार। मैं जानता हूं सभी बैंकर्स इन दोनों घोषणाओं से अवश्य परिचित हैं। शुरुआत में इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि हम सबका मानस स्पष्ट रहे कि भारत सरकार क्या चाहती है। मुझे किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कोई गिला नहीं है। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। केवल एक छोटी बात मैं कहूंगा कि अभी बैक टू विलेज 4 का एक कार्यक्रम हुआ था। मुझे याद है जब मैं 2020 में आया था तो उस समय एक लक्ष्य रखा गया कि हर पंचायत से 5 नौजवानों को चिन्हित करना है, स्वरोजगार इन्हें मिले इसके लिए इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। मोटे तौर पर 4290 95 पंचायतें हैं, तो एक 22,000 लोगों की सूची बनी थी। 6 महीना लग गया था 22,000 लोगों को फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। संख्या बढ़ी बाद में लेकिन समय ज़्यादा लगा। इस बार मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि हर पंचायत में 15 नौजवान को चिन्हित करना है और उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित भी करना है, प्रशिक्षण भी देना है और आर्थिक सहायता भी बैंक द्वारा उपलब्ध करानी। और आपको जानकर खुशी होगी कि एक महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के 75,000 नौजवानों को एक दिन फाइनेंस उपलब्ध कराने में हमने सफलता मिली। और दूसरा तथ्य उसका यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक, उसमें 90% शेयर जम्मू कश्मीर बैंक का है। तो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की जरूरत है। केवल एक पहलू से तस्वीर सही नहीं बनती। ये सच है कि जम्मू कश्मीर बैंक से आपकी अपेक्षा ज़्यादा है, भावनात्मक आपका लगाव है और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक का ये नैतिक दायित्व है कि जिस तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए आप आगे बढ़े हैं, उससे तेज गति से और ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ करके किसानों को, और केवल किसानों को नहीं, जैसा अभी दलवाई साहब ने कहा, इन फार्मिंग एंड फॉर द फार्मिंग, ये दोनों के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को आगे आना होगा। RBI के सज्जन बोल रहे थे उड़ियावासी हैं लेकिन अपने दिल की बात कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि RBI के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनकी भावना क्या है, या NABARD के जो हमारे CGM बोल रहे थे। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि हमारे इस मंतव्य के, हमारे इस अभियान के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब केवल आलोचना करने से चीज़ें नहीं बनती। हाँ, ये ठीक है कि हमें योजना पर ढंग से क्यों किसी खास एरिया में ज़्यादा फाइनेंसिंग हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, इसके कारणों को भी चिन्हित करना होगा। जम्मू जिले में बहुत ज़्यादा है तो बगल के जिले में क्यों नहीं है। हमको कारणों को चिन्हित करना और उनके समाधान का एक सम्यक उपाय बनाना, ये बड़ा आवश्यक है और मुझे लगता है कि इसमें हम सबको सफलता मिलेगी अगर हम सब लोग मिल करके काम करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी खासतौर से बैंकिंग संस्थाओं के लिए के ऊपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में वृद्धि और बैंकिंग व्यवस्था से अछूते किसान भाइयों के समावेशन की एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर में पिछले 3 साल में जितनी हलचल दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि शायद पहले जम्मू कश्मीर नहीं देखी थी। देश ने जैसे 14 के बाद देखना शुरू किया, वैसे अब यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। और ये सच है कि तमाम मुश्किलातों के बावजूद हम देश के 5 राज्यों में शामिल हो गए हैं किसानों की आमदनी के मामले में। ये बदलाव की एक नई बहार है, नई ऊर्जा है जम्मू कश्मीर में, और वो देखी जा सकती है। अब यहाँ रोशनी स्कैम नहीं बल्कि तरक्की और उपलब्धियाँ दिखाई पड़ने लगी हैं। ये मैं समझता हूँ कि अच्छा संकेत है और अनेक सेक्टर्स में बदलाव आया है, लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी। और मैं इस क्रांतिकारी दस्तावेज को जमीन पर उतारना, इसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। और मुझे लगता है कि आप सब लोग जब पूरी शिद्दत से इस काम में लगेंगे, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, और एक बात समझ लीजिए कि इसको 2 साल तेजी से आप जमीन पर उतार दीजिए, कोई इसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि जहां 70% आबादी के हितों का सवाल है, कोई इसको बदल नहीं सकता। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको हमें जमीन पर उतारना है। और बैंक के लोग, मैंने 2 तारीख को फिर मीटिंग रखी है, लेकिन आधा मैं अभी डुल्लू साहब से खड़ा, उस मीटिंग का कोई औचित्य तो अब एग्रीकल्चर को लेकर के नहीं रह गया, क्योंकि मोटे तौर पर काफ़ी बातें यहाँ हो गई हैं और दिक्कतें जो थी वो सबके सामने यहाँ बताई गई हैं। ये ठीक है कि नेशनल एवरेज के हिसाब से किसानों को जम्मू कश्मीर में फाइनेंसिंग कम हुई है, लेकिन ये देखें कि 3 साल में बढ़ा कितना है, वो आंकड़ा भी जब आप देखेंगे तो मुझे समझ में आता है कि तब शायद वो चौंकाने वाला हो। तो वृद्धि भी हुई है, उसका दूसरा पक्ष भी है। हाँ, ये ठीक है कि हमें जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ हम नहीं पहुँच सके हैं, और निश्चित रूप से हमें वहाँ पहुँचना है। मोटे तौर पर 9,651 करोड़ रुपये ये बैंकिंग सेक्टर ने एग्रीकल्चर में अभी फाइनेंस किया है, और अगर मैं 13-14 से इसकी तुलना करता हूँ तो ये 2800 करोड़ रुपए था। तो 2800 करोड़ से बढ़ करके 9,651 करोड़ हम पहुँचे हैं। तो ये वृद्धि या ठीक है कि अभी इसको और बढ़ाना है, जैसा किसी ने कहा 15,000 करोड़, मुझे लगता है 15,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़, ये इन्फ्यूज़न हमें आगे आने वाले दिनों में करना है। और 2013 में जहां क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 39.6 था, वहां 2022 में 58% हो गया। ये बैंक के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तो अब आपके लिए भी संतोष की बात नहीं है, वो तो मैं किसानों के लिए खरा तक बड़ा है, लेकिन आपको इस हिसाब इस अनुपात में और भी क्रेडिट बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंक कोऑपरेटिव बैंक की बात उठी है, ये सच है कि कृषि क्षेत्र के लिए कोऑपरेटिव बैंक का रहना बड़ा जरूरी है, और अभी कहा गया, मैं अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा था, ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो धन चाहिए वो इस बार जरूर दिया जाएगा, ताकि कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि उसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जो चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए कई साथी हमारे काम कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी हम सब काम कर रहे हैं, लैंड डिजिटाइजेशन का काम मोटे तौर पर समाप्त कर लिया गया है, और 30 लाख लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराई जा चुकी है। जो बचे हैं 2 लाख से कम लोग बचे हैं उन्हें भी जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, और
स्वामित्व योजना के तहत भूस्वामियों को सहूलियत का एक बड़ा उपहार आने वाले दिनों में मिलने वाला है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। क्रेडिट फ्लो की परिस्थिति निश्चित रूप से बदलेगी। बैंकों से मैं जरूर ये अपेक्षा रखता हूँ कि आपको उन इलाकों की पहचान करने की आवश्यकता है और हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अधिकारी भी उन क्षेत्रों को चिन्हित करें जो मैं कहूँ कि हॉट स्पॉट हम मानते हैं, जिन्हें जहाँ सबसे कम इनफ्लो है क्रेडिट का। तो बैंक और सरकारी विभाग के लोग ऐसे ब्लॉक, ऐसी पंचायतें, ऐसे जिले चिन्हित करना और प्रायोरिटी पर उस एरिया में छोटे मझोले किसान तक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंच रही तो त्वरित ढंग से हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। और दूसरा, ये छोटी छोटी बातों पर जो रिजेक्शन है बलदेव प्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर रिजेक्शन है तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था से हम लोग परिचित, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैंक पूरी तरह से खुला खाता बना दिया जाए, लेकिन अकारण रिजेक्शन करना तो इस पर थोड़ा गंभीरता से, और अपने मातहत लोगों को कहिए कि साहब अगर अकारण आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको भी अकारण रिजेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये उचित नहीं है कि सरकार कुछ चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ चाहते हैं और बैंक उस हिसाब से न काम करें। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा अभियान है, सभी स्टेक होल्डर्स को समर्पित भाव से मिलकर के काम करना होगा। क्रेडिट के क्षेत्र में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और एक बात का मैं भरोसा दे सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, भारत सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जब चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसानों को या इस सेक्टर को क्रेडिट मिले, तो मैं समझता हूँ कि आप आश्वस्त रहिए तो ऐसी व्यवस्था बनती जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ भी बनेगी। साहूकार से यहाँ के किसान बचें, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, सभी क्षेत्रों में किसान भाइयों को भी रिस्क लेने की ज़रूरत है और क्रेडिट की समस्या नहीं होगी, ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से मैंने देखा कि केसीसी तो आप दे देते हैं जिनके पास ज़मीन है, लेकिन अब पिछले 2-2.5 साल से देश में दूसरी केसीसी भी मिल रही, जिनके पास पशु है, ज़मीन है, उनको भी आपको केसीसी देना है, जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी आपको केसीसी देना है। तो मुझे लगता है कि बैंक को इस पर योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए और केवल जिनके पास जमीन है उनका सैचुरेशन नहीं, ऐसे लोग जो इन व्यवसायों इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनका भी सैचुरेशन, और इसकी एक समय सीमा हमें निश्चित रूप से तय करनी चाहिए कि आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कोई भी किसान या उससे संबंधित गतिविधि करने वाला कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए। और बहनों का खास तौर से, मैंने महिलाएं जो कर रही हैं, तो मुझे लगता है ये काम तो जम्मू कश्मीर बैंक को अपने हाथ में लेकर के 1 महीने में पूरा करना चाहिए कि अगर कोई महिला एग्रीकल्चर से जुड़ी है, एलाइड सेक्टर से जुड़ी है, तो मुझे लगता है कि 31 मार्च को आप एक कार्यक्रम करिए जिसमें महिलाओं को सम्मानित करिए और ये गर्व से कहिए कि जम्मू कश्मीर में एक भी महिला नहीं है जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से जुड़ी है, जिसकी ज़रूरत हमने पूरी नहीं कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे कृषि व्यवस्था में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करेगा। जो बात दलवाई साहब या डॉक्टर अंद्राबी ने या डुल्लू साहब ने कहा कि 5 साल बाद 28,000 करोड़, तो ये लोग थोड़ा कम बोल रहे हैं, जानबूझ करके विनम्रता है, मेहनत किए हैं। दलवाई साहब उस कमेटी को हेड करते थे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी होगी, लेकिन मैं कोई वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, थोड़ी किसानी भी समझता हूँ। मैं आपको एकदम शुद्ध रूप से शिवरात्रि के दूसरे दिन कह रहा हूँ, 5 साल ये लोग बहुत विनम्रता से कर रहे हैं, ये 4th साल में 30,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात करूँ।
मुझे ऐसा पता नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है कोई इसके लिए आधार नहीं है। ये नए अवसर और संभावनाओं के रूप में इसे हम देखें। नए जम्मू कश्मीर का निर्माण बिना कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास के नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर के काम करें, एक संवेदनशील मानव की तरह किसान की जिंदगी बदलने में जो कुछ हम कर सकते हैं हम सब मिलकर के करें। इतनी ही बात कह के मुझे लगता है कि वो प्रेजेंटेशन दलोई साहब, डुल्लू साहब ने शुरू में तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।